इस चक्कर में मेरी गाड़ी ने 5.60 का या 5.5 का एवरेज दिया था। मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि आजकल गाड़ियाँ माइलेज इस रोड पे क्यों कम दे रही है। तो देखिए आगे आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा होगा। तो आप तो अभी हम सागर बाईपास पर हैं और यहाँ देखिए कितना तगड़ा हादसा हो गया है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने नागपुर पार कर लिया था, फिर रात को गाड़ी मैंने ही चलाई थी। तो हम करीब 2 बजे पहुंचे थे नरसिंहपुर से पहले। तो जो हमारे साथ बंदा था उसको रात को जाना था घर, तो वो चला गया, उसको पैसे वैसे दे दिए। और भैया एक दोस्त की कमेंट आई थी कि भैया आप बंदों को ज़्यादा परेशान करते हो, इसलिए बंदे आपके पास रहते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में एक तो बंदे मिलते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाए तो कौन चाहेगा कि आपके साथ वो बंदा ना रहे। तो भैया आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने वीडियो में ऐसा क्या दिखा दिया आपको कि मैं उसको तंग कर रहा हूँ? केवल मैं तो ये दिखा रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ और बंदा बैठा हुआ है। तो भाई हम बंदे को साथ में लाएं तो इतना तो बनता है बंदे का हक कि वो हमारे साथ हेल्प करे। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला वही काम करे। और अगर आपको मेरी बुराइयाँ दिखती हैं तो अच्छाइयाँ भी ये भी देखो कि बंदा जब सो रहा होता है ना और जैक सीट के नीचे होता है, तो अगर गाड़ी में पंचर हो गया तो मैं जगाता नहीं हूँ कि मुझे जैक निकालना है। पंचर वाले से ही जैक लिया, खुद लगाया, पंचर लगवाया और चल दिया। और दूसरा एग्जांपल, मैंने चेन्नई में गाड़ी खाली करी थी और वहाँ पर अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई थी, तो बंदा सो रहा था और मैंने अकेले ने तिरपाल डाली और तिरपाल पर मैं खड़ा रहा जिससे तिरपाल उड़े ना, और पूरा बारिश में भीगता रहा, मैंने फिर भी उसको नहीं उठाया। तो आपको बुराइयाँ देखती हैं, थोड़ा अच्छाइयाँ भी देखा करो। और हमेशा ये देखा करो कि बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और आप जो कमेंट कर रहे हो उसके लिए तो धन्यवाद है, लेकिन आप ड्राइवर नहीं हो, ये तो मुझे पता है, नहीं तो आप ऐसी कमेंट करते नहीं। ड्राइवर होता है उसको पता है कि ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है और किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज का दौर क्या चल रहा है वो मुझे अच्छे से पता है कि आज के कंडक्टर ड्राइवर कैसे आ रहे हैं सीखने के लिए, एक दो महीने में सीखे और भाग गए। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अभी हम थोड़ी देर में सागर पहुँचेंगे। और सागर बाईपास पर एक टायर रिमोल्डिंग की दुकान है, जो रबड़ चढ़ाते हैं इसको बोलते हैं, उसको हमें एक टायर दिखाना है। अगर वो रबड़ चढ़ा देता है शाम तक तो उस पर रबड़ चढ़वाएंगे, और नहीं चढ़ाता तो फिर अपना सीधा निकल जाएंगे। दोस्तों मैं पहुंचा हूं सागर से पहले जो टोल पड़ता है 2 किलोमीटर, और यहां पर एक ये ढाबा है उत्सव ढाबा, इसी पर टायर की दुकान बताई थी मुझको। तो चलिए उसे बात करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको, टायर रिमोल्ड करेगा नहीं करेगा। टायर वाले से बात हुआ, वो तो मना कर रहा है रबड़ चढ़ाने के लिए, बोल रहा है कि यहाँ टायर खोलते हैं हम और बाजार ले जाना पड़ता है तो वहाँ जाके होती है। तो इससे बढ़िया तो हम सोच रहे हैं कि फिर शाम तक हम झांसी पहुँच जाएंगे, रात रात में आगरा, तो वहीं चढ़वा लेंगे इससे बढ़िया। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर होटल पर कुछ चाय पानी नाश्ता पानी करते हैं और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। होटल पर रुके हुए थे तो हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं। तो खाने में आज देखिए दाल फ्राई मंगाई है हमने, इधर सलाद हो गया, रोटी हो गई। ये ढाबा है यहाँ पर, बहुत अच्छा ढाबा है, पुराना है, और इधर ये दुकान है जैसे ट्रक संगार की दुकान है, वैसे जैसे तकिया वकिया लेना हो कुछ भी। तो अपना खाने के साथ में नहाना भी हो गया और उतना टाइम भी हो गया कि आगे जो आईटीओ खड़ा होता है सागर वाला वो हट जाए, क्योंकि लंच टाइम में हटता है वो। तो चलिए अभी यहाँ से चल रहे हैं और अपनी यात्रा को करते प्रारंभ। तो अभी हम सागर बाईपास पर हैं और यहाँ देखिए कितना तगड़ा हादसा हो गया है, और ये एक रोड बनने के कारण हुआ है, क्योंकि रोड पल्ली साइड का बंद है ना, उधर रोड पे काम चल रहा है, तो वो ट्रक ने ऐसे यू टर्न लिया होगा तो उस चक्कर में पलट गया है। के अंदर क्या लोड है ये तो नहीं मालूम पड़ पा रहा है, देख रहे हो। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आजकल गाड़ियां माइलेज इस रोड पे क्यों कम दे रही है। तो देखिए आगे आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा होगा, तो आप अनुमान लगाइए, इन्होंने सिंगल वे कर रखा है रोड को पूरा, और ये हर ब्रिज बन रहा है हर कट पे, कहाँ से लेके अपना ललितपुर से लेके और अपना ये उधर लखना डॉन नरसिंहपुर उधर तक। तो अभी वैसे भी बारिश का टाइम है और अधिकतर गड्ढे हो चुके रोड पर और ये ट्रैफिक, तो इसलिए माइलेज नहीं दे रही है। पिछली बार मैंने इंदौर से 50 किलोमीटर पहले मानपुर पड़ता वहाँ से तेल गिराया था 10,000 रुपये का, तो मेरी गाड़ी नोएडा खाली हुई थी। और पिछली बार मैंने 10,000 का तेल डलाया था झांसी से और मेरी गाड़ी मथुरा खाली हुई थी, मथुरा से सिर्फ आगरा पहुँची थी। तो मतलब यहाँ चलिए 400 किलोमीटर और वहाँ चल गई करीब 800 किलोमीटर, तो इतना अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो चलिए अभी चल ही रहे, क्या कर सकते हैं भाई, ये तो रोड बन रहा है। अब इनको जो रोड बनाया था वो पहले ही सोचना चाहिए था कि यहाँ पर आने वाले टाइम में भीड़भाड़ रहेगी तो हमें पहले ब्रिज बना के चलना चाहिए। तो ये तो एक डबल मार हो गई, जैसे कि पहले रोड बनाया, अब साल दो साल उसको यूज किया, फिर तोड़ रहे, फिर उसके ऊपर ब्रिज बना रहे, तो ये क्या होता है? फिर ये ट्रक वालों से टोल वसूलते हैं, महंगा कर देते हैं टोल, क्यों कर देते हैं कि भाई उतना लागत पड़ गया जी, वहाँ पर ब्रिज बना, वहाँ ये हुआ वो हुआ। तो यही चीज़ें आजकल चल रही हैं भाई, अपने यहाँ इंडिया में यही चलता ही है अक्सर करके, कि पहले रोड बना देते हैं फिर इसको
पानी की लाइन बिछाने के लिए तोड़ते हैं, फिर उसको गैस लाइन बिछाने के लिए तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर सीवर लाइन बिछती है। वही इंडिया का जो अधिकतर पैसा है वो रोडों में इसीलिए खराब होता है, और विदेशों में पहले सब कुछ हो जाता है उसके बाद रोड बनती है। तो चलिए दोस्तों, अपने इंडिया का तो जो कानून है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, और इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और तो फाइनली दोस्तों, मालथौन बॉर्डर अपना ये आ गया, और अभी यहाँ से हम यूपी में एंटर कर रहे हैं और ललितपुर पहुँचेंगे। यहाँ से 40 किलोमीटर आगे तो वहाँ पर थोड़ा सा छोटा काम है, तो वो कराना है हमको, और दिखाते हैं फिर क्या काम कराना है। तो दोस्तों, पहुँच गए हम ललितपुर, और ललितपुर में ये पार्किंग टाइप की है रोड के किनारे पे। तो यहाँ पर देखिए पूरी मार्केट टाइप है, जैसे आपको कुछ भी गाड़ी में कराना है, और उस साइड भी है, दोनों साइड है। तो यहाँ पर हमारे को बस छोटा सा काम था, काम ये था कि हमारा जो पिछले चक्कर पटा कमानी टूट गया था ना, तो वहाँ पर उन्होंने जो रकाब थी वो लूज छोड़ दी थी, जिसके कारण भी टायर दबा रही है गाड़ी। अगर कमानी वाला बंदा यहाँ मिल जाता है तो उसको टाइट करा लेते हैं 100 रुपये लेगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको कल हम आगरा टायर वायर खुलाएंगे, तो वहीं कमानी वाला है तो वो कर देगा, एक्चुअली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ रुके हैं, सीसा वीसा भी साफ कर लेंगे और अपना चाय वगैरह भी पी लेंगे, और देख लेंगे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से भी निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखने चलते हैं उसको, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। तो ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए कोई मिला नहीं हमको रकाब टाइट करने के लिए, और हमने डीजल में भी गेज मारा क्योंकि हमने कल 160 लीटर तेल लिया था, तो उसका अब तक हो गया। अभी आगे चलेंगे झांसी से, पहले एक अच्छा पंप पड़ता है वहां से तेल लेंगे, क्योंकि पिछली बार झांसी में लिया था तो मुझे तो शक जा रहा है कि पंप वाले ने हमारा मार दिया, देखिए क्योंकि इतना माइलेज कम कैसे दे सकती है गाड़ी। तो चलिए अभी यहां से चलते हैं, और उसी सभी सभी साफ कर लिए तो निकलते फिर यहां से। टाइम हो गया 7:41, और ये पेट्रोल पंप पड़ी है भारत की झांसी से पहले। तो यहां से हमने तेल लिया है दोस्तों 10,000 रुपये का, और ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग हिसाब मांगते हो कि गाड़ी का बचत और खर्चे का वीडियो बनाइए, तो उस चीज़ का मैं बना के दूंगा, तो इसलिए मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ 88 का रेट है, और 113 लीटर आ गया, और 113, और जो भी हमने आगे पीछे से लिया है उसको जोड़ेंगे और क्या बचत आएगी वो आपको मैं घर रहूँगा तो दिखाऊँगा जरूर, बनाऊँगा जरूर। तो चलिए अभी यहाँ से भी चल रहा है। टाइम हो गया दोस्तों 9:21, और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, देखिए अपना झांसी बाईपास, सामने झांसी बाईपास दिख रहा है आपको। मेरा टारगेट था सवेरे आगरा पहुंचने का ट्रांसपोर्ट नगर, जिससे मैं रबर चढ़वा सकूं टायर पर, लेकिन मुझे तो यही भी सुस्ती आने लगी। तो सामने देखिए चाय की दुकान, तो पहले चाय पियेंगे, और इतने बीच में एक भाई की कमेंट आई थी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भाई बोल रहे हैं कि भाई 2011 मॉडल 480 का माइलेज दे नहीं सकती। तो भाई को थोड़ा सा डाउट है, तो उसको मैं आज क्लियर करना चाहूंगा। तो मेरे हाथ में जो आप डायरी देख रहे हो ना, इसमें जब से गाड़ी खरीदी और आज तक का पूरा लेखा जो का लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं खोलूंगा तो काफी टाइम लगे जाएगा देखने में, उतना वक्त मेरे पास है नहीं। मैं आपको मुखादी बता देता हूँ, और मुखादी क्यों बता रहा हूँ कि जो आपके साथ घटना घटती है वो आपको याद जब रहती है कि भाई मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, या ऐसा अक्सर होता रहता है, तो वो चीज आपको याद रहती है। तो मैंने आपको 3 चक्कर ऐसे गिनाने हैं जो मुझे याद है मुखादी। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी गाड़ी 88 रोड करी थी, मूंगफली गुजरात की, राजकोट की, ठीक है। अब भाड़ा तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन 320 रुपये के आसपास लगा था, यानी 32 या 10 टन का। तो वहाँ का हम मूंगफली ले गए थे, हाइट भी आया था, 14 टन के आसपास वजन था। वहाँ से खाली की, राजकोट से लोड करी इंदौर की, 18 टन वजन आया था। इंदौर से खाली गई बुरहानपुर, बुरहानपुर से केला लोड किया था अपना मुरादाबाद साइड का, एटा से राजकोट, और राजकोट से इंदौर, इंदौर से बुरहानपुर, बुरहानपुर से मुरादाबाद। इस चक्कर में मेरी गाड़ी ने 5.60 का या 5.5 का एवरेज दिया था। मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, आपकी स्क्रीन पर एक थंबनेल आ रहा होगा, इस वीडियो को लास्ट में जाके देख लेना। मैंने हिसाब भी समझाया गाड़ी में कितना बचत आया था, क्या माइलेज दिया था। बात हो गई 1 साल पुरानी, मैं आपको इसी साल की बात बता देता हूँ। रक्षाबंधन के आसपास मैंने मूंगफली लोड करी थी एटा से दुलिया की, और दुलिया से आए थे खाली सावदा, सावदा से केला लोड किया अपनी तरफ गई। उस चक्कर में मेरी गाड़ी ने 5 का माइलेज से ऊपर दिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी का इंजन हुआ था, सर्विस नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो भी इतना माइलेज दिया था, ठीक है। और दीपक भाई को आप जानते हैं, उनकी गाड़ी 10 चक्का थी, 7 में लोड हुई थी, 7 में खाली हुई एक ही जगह, वहां से फिर लोड हुई और फिर एक ही साथ खाली हुई। उनकी गाड़ी के अपेक्षा मेरी गाड़ी ने 15,000 का डीजल कम खाया था। अब आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी में अच्छा ही है या चलाने में अच्छा ही है, ये चीज का मैं आपको क्या ही प्रूफ दूं, ठीक है। तीसरा चक्कर मैंने हैदराबाद से दुलिया का लोड किया था बिनोला, और बिनोला में करीब मेरे हिसाब से वहां सफर रहा होगा 600 किलोमीटर के आसपास का, तो मेरी गाड़ी ने 10,000 का तेल खाया था, करीब 112 या 115 लीटर। तो आपको मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ इस चीज में कि देखिये, जो माल हल्का होता है कूलर टाइप का, उसमें गाड़ी माइलेज अच्छा देती है, और हाइट होता है उसमें अच्छा देती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि हर माल में देती है, केले में भी ठीक देती है लेकिन उतना नहीं देती है, और आलू में भी ठीक देती है, यानी कच्चे माल में लगभग सब में ही ठीक देती है, लेकिन गाड़ी जब आप भगाते हो 45 से ऊपर तो फिर माइलेज वहाँ घट जाता है। आप बाइक की ले लीजिए, बाइक भी अगर आप 80-90 भगाओगे वो भी माइलेज नहीं देगी, अगर 40-45 चलाओगे तो माइलेज देगी, और वजन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप तीन बंदे बैठा के बाइक को चलाइए वो माइलेज कम देगी, और अकेले चलाओगे तो माइलेज ज्यादा देगी। ऐसी गाड़ी का रहता है 13 टन 14 टन वजन है तो अच्छा माइलेज देगी, 18-19 टन वजन है तो ज्यादा माइलेज देगी। तो माइलेज की बात आपको मैंने सारी बता दी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इस वीडियो को थोड़ा इतना लंबा नहीं खींचना चाह रहा था, ऐसा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और माइलेज गाड़ी जब ही देती है जब माल अच्छा हो और चलाने वाला अच्छा हो। तो दोस्तों मैं वैसे इस ब्लॉग को अपने आगरा तक खींचने वाला था और कल इस ब्लॉग का एंड करता जहाँ मैं रबड़ चढ़ानी थी, लेकिन मजबूरन मुझे यही करना पड़ रहा है। अब भाई ने ऐसी कमेंट कर दी तो उनका रिप्लाई भी देना था। तो चलिए दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।